हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम, संस्कृत मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला, भाग दो, पाठ पांच, पंचमह पाठ, मूर्ख सेवक, यानी कि एक फुलिश सर्वेंट, एक मूर्ख सेवक, उसके बारे में जानते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर, क्योंकि आप जानना कि मूर्ख लोग कैसे होते हैं, जानते हैं इसके बारे में। मूर्ख सेवक, देखो ये एक इनका नौकर है और ये यहाँ पर लेटे हुए हैं। चंदनपुरे एक धनिक वसती स्म। चंदनपुर नामक गांव में एक पैसे वाला व्यक्ति यानी कि धनिक रहता था। तस्य एक मूर्ख सेवक आसीत। उसका एक जो नौकर था वो बहुत मूर्ख था। एकदा धनिक मध्याह्ने विश्रामाय शय्याम आरूढ़ तदा ससेवक तम व्यजनम करोति स्म। एक बार वो धनिक दोपहर में आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर चढ़ा और सो गया। तब उसके सेवक ने, उसके नेकर नौकर ने उसको पंखा करने लगा, उसको हवा करने लगा। श्रांतः धनिक निद्रामग्न अभवत। थका हुआ जो धनिक था उसको नींद आ गई। तस्य शरीरोपरि मक्षिका वारम वारम उपाविशन। उसके शरीर पर बार बार मक्खी आकर बैठती थी। सेवक व्यजनेन मक्षिका निवार्यत। सेवक ने यानी कि नौकर ने पंखे से बार बार मक्खी को हटाया। बार बार मक्खी आ रही थी, वो पंखे से बार बार मक्खी को हटा रहा था। एका मक्षिका पुनः धनिकस्य नासिका उपरि उपाविशत। एक मक्खी फिर से धनिक की नाक पर आकर बैठ गई। तथा सेवक क्रुद्ध अभवत। तब वो नौकर क्रोधित हो गया। सह क्रुद्ध सेवक ताम दंडेन प्राहरत। उस सेवक ने नाराज होकर गुस्से में उस मक्खी को डंडे से मारा, प्रहार किया उस पर। मक्षिका तो दूरम अगच्छत। मक्खी थोड़ी रुकती है, मक्खी तो दूर उड़ गई। परम धनिकस्य नासिका भगना। पर क्या हुआ, जो धनिक था, जो सो रहा था, उसकी नाक टूट गई। तस्य वदनम रुधिमयम जातम। उसका जो सारा शरीर था खून में हो गया। केनापि उचितम कथितम। किसी ने सही कहा है। पंडितों अपि वरम शत्रु न मूर्खो हितकारक। क्या कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति 100 मूर्ख शत्रुओं से अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसा मूर्ख उन्होंने पाल लिया था, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। 100 मूर्ख तो बिल्कुल बेकार होते हैं। 100 मूर्ख रख लो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के आगे, वो सब बेकार हैं, क्योंकि 100 मूर्ख तो ये मूर्खता का काम करेंगे। उसने उसकी नाक पर पंखे से बच्चों मक्खी को उड़ा रहा था और मक्खी के चक्कर में उसकी नाक को काट दिया। ठीक है, तो इस प्रकार कैसा लगा आपको बच्चों ये पाठ। कितना मूर्ख नौकर था वो। उसने ये नहीं देखा कि मक्खी तो रुकने वाली है नहीं, मक्खी तो भाग जाएगी, मक्खी कोई रुकती है। और उसने उस पर डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे कि उसकी नाक टूट गई और उससे खून आने लगा। ठीक है, अब पाठ में आए हुए बच्चे हम कुछ शब्द उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। जैसे वसती स्मह माने रहता था। एकदा एक बार, मध्याह्ने दोपहर में, विश्राम आए विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए, शय्याम माने बिस्तर पर, तदा तब, व्यजनम माने पंखा, श्रांतः थका हुआ, धनिक है माने धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा होता है, निद्रामग्न भवत यानी कि सो गया, तस्य उसके शरीरोपरि माने शरीर पर, शरीर के ऊपर, मक्षिका मक्खी, अपाविशन माने बैठने लगी, निवार्यत माने हटाया, नासिकोपरि माने नाक पर, दंडेन माने दंडे से, प्राहरत माने मारा, भगना माने टूट गई, वदनम शरीर पर, रुधिरमय खून से भरा हुआ, रुधिरमयम जातम माने हो गया, केनापि उचितम माने किसी ने ठीक ही कहा है, वरम माने श्रेष्ठ, हितकार के माने जो
अच्छा लगने वाला हो, हितकारी हो, भला करने वाला हो, हितकार का हितकारी। पाठ में आए हुए बच्चों कुछ हम अभ्यास कार्य करते हैं, पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं पाठ से संबंधित, आपको उनके उत्तर देने होंगे, जल्दी से बताइएगा मुझे। पहला प्रश्न क्या है, धनिक है कुत्र वसती, इसमें धनिक कहाँ रहता था, चंदन नगरे, चंदन नगरे वसती स्म, चंदन नगर में रहता था ना वो। हाँ, सेवके धनिकस्य का सेवा में करोत, सेवक धनिक की क्या सेवा कर रहा था, सह व्यजनेन धनिकस्य सेवा अकरोत। नेक्स्ट है क्रुद्ध सेवक किम अकरोत, नाराज सेवक ने क्या किया, उसने क्या किया था, उसने क्रुद्ध सेवक दंडेन मक्षिकाम प्रहारित, डंडे से मक्खी को मारा, यही तो किया उसने नाराज ने, दंड प्रहारेण किम अभवत, डंडा मारने से क्या हुआ, धनिकस्य नासिका भगना जाता, धनिक की नाक टूट गई है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, सेवकाय व्यजनेन धनिकम। नेक्स्ट है ततः सेवक है डैश अभवत, तब सेवक क्या हो गया, क्रुद्ध, क्रुद्ध अभवत। तस्य वदनम उसका शरीर कैसे हो गया, रुग्धमयम जातम, खून से भर गया उसका शरीर। शांत है धनिक डैश अभवत, धनिक थका हुआ जो धनिक था निद्रामग्न अभवत, सो गया था शांत धनिक, उसको नींद आ गई थी वो सो गया था, और ये सब उसके सोने पर ही ये कार्यक्रम चल रहा था कि वो क्रुद्ध सेवक ने उसको मार दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, सम्यक उत्तर चिन्हितम चिन्हांकितम क्रूद, यानी कि जो सही उत्तर है उसको विकल्पों में से देखकर हमें सही उत्तर लिखना है। पहला है चंदनपुरे एक है वसती, इसमें निर्धन या कि धनिक है या व्यापारी कौन रहता था, धनिक। नेक्स्ट है फिर एकदा धनिक है विश्रामाय शय्याम आरूढ़ प्रातःकाले या मध्यकाले, मध्याह्ने या सायंकाले, मध्याह्ने दोपहर में ही सो गया था ना वो थककर। नेक्स्ट है फिर मक्षिका पुनः धनिकस्य उपाविशत, मनी मक्षिका मक्खी जो है फिर से धनिक के कहाँ पर बैठ गई, मुखस्य ऊपरी, नासिक ऊपरी या नेत्रों परी, कहाँ पर बैठ गई थी, नासिक ऊपरी, नाक पर बैठ गई थी मक्खी उसकर आकर। अब यहाँ हमें इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, कुछ हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं उनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। उसका नौकर मूर्ख था, तस्य सेवक मूर्ख आसीत, ठीक है। नेक्स्ट है नौकर क्रुद्ध हुआ, सेवक क्रुद्ध अभवत। फिर है नौकर ने पंखे से मक्खियां रोकी, सेवक व्यजनेन मक्षिकाम व्यवहारयत। धनी व्यक्ति की नाक टूट गई, धनिकस्य नासिका भगना जाता,
धनिकस्य नासिका भगना जाता। नेक्स्ट बच्चों हमारी एक्सरसाइज है वाक्य बनाने हैं हमें धनिक। तो आप एक बहुत सिंपल सा बना दीजिए, एक धनिक आसीत, फिर है मूर्ख सेवक, तस्य सेवक, मूर्ख आसीत, उसका नौकर कैसा था, मूर्ख था, व्यजन व्यंजन, ये व्यजन है, सेवकस्य करे एकह व्यजन। व्यजन क्या होता है, पंखा, सेवक के हाथ में एक पंखा था, मक्षिका, आप सिंपल बना दीजिए, एक मक्षिका आसीत, ठीक है। इस प्रकार आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, छोटा वाक्य बना देंगे, अभ्यास पुस्तक के पाठ में से देखकर भी बना सकते हैं, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए। तो बच्चों हमने देखा कि मूर्ख सेवक का ये, अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6। हमें यहाँ दो पार्ट दिए हुए हैं, अ पार्ट और ब पार्ट, तो हमें अ और ब के पार्ट में से जो सही है उससे उनका मेल करना है, मिलान करना है। जैसे कि तस्य एकः मूर्ख सेवकः आसीत, ठीक है। दूसरा है श्रांतः धनिकः निद्रामग्नः अभवत्। फिर तस्य वजनम रुधिरमयम जातम, चंदनपुरे एकः धनिकः वसति स्म, सः कुद्रः सेवकः ताम दंडेन प्राहरत, ठीक है, डंडे से उसको मारा। तो इस प्रकार हमने सही वाक्यों का सही वाक्य से मिलान किया है यहां पर, आप भी बहुत आसानी से कर लेंगे ये। अब हमारा कार्य है बच्चों रचनात्मक कार्य, एक्टिविटी कार्य, मूर्ख सेवक, इससे संबंधित कोई भी कहानी आपको नजर आती है और आप अपनी भाषा में, जरूरी हो संस्कृत भाषा में नहीं है, हिंदी भाषा में भी आप उसको लिखकर और अपने अध्यापक अध्यापिका जो भी आप हैं उनको दिखाइए। कोई एक और कहानी जो आपको लगता हो कि वो मूर्ख नौकर था, उसकी कोई कहानी है, कोई आपको पता हो या आपने कहीं पढ़ी हो या और कहीं से पढ़कर आप उसको लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखा सकते हैं। तो ये था मूर्ख सेवक, आपने कहानी पढ़ी बच्चों, अच्छी भी लगी होगी, तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति मित्र आपका और 100 मूर्ख बेकार है, बिल्कुल 100 मूर्ख नौकर रख लो आप या दोस्त रख लो, एक बुद्धिमान मित्र ही काफ़ी है आपके लिए। तो इस कहानी से हमें यही पता चला कि हमें मूर्खों को नौकर या अपने मूर्खों को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।